आप देख रहे हैं बेसिक कुकिंग विद मंदीप। आज जो डिश मैं बना रही हूँ वो साउथ इंडिया की बहुत फेमस डिश है, वो है सांभर वड़ा। तो चलिए पहले सांभर बनाते हैं। जी मैंने अरहर की दाल ली है 1 कटोरी, इसको मैंने 10 मिनट पहले भिगो दिया था। इसको ज़्यादा टाइम नहीं भिगोना है, ये बहुत जल्दी बन जाती है। अभी हम इसको बॉयल करते हैं। जी 1 कटोरी दाल में मैंने 3 गिलास पानी डाला है। पानी कम ज़्यादा हो जाए तो इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि सांभर में पानी दोबारा से फिर पड़ता है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक का, आधा चम्मच हल्दी। जी मैंने 1 चम्मच तेल का डाला ताकि अब दाल हमारी बाहर ना निकले। 1 सीटी इसकी हाई फ्लेम पे लगवाएंगे, फिर 2 सीटियाँ लो फ्लेम पे लगा के इसको बंद कर देंगे जो जल्दी पक जाती है। 3 सीटी लग चुकी है, मैंने कुकर को बंद कर दिया है। अब इसको साइड पे रखेंगे और तड़का बनाएंगे इसका। तड़का बनाने के लिए मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का प्याज, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, इसमें मैंने 2 हरी मिर्च डाली है। जो मैंने सब्जियां ली हैं, घिया लिया है, पेठा लिया है, गाजर ली है। आप अपनी जो पसंद है वो सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। मैंने इमली को भिगो के उसका पानी निकाल लिया है। मसालों में मैंने लिया है 1/2 चम्मच नमक, नमक हमने दाल में भी पहले डाल लिया है, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच किचन किंग, 1 चम्मच धनिया पाउडर। मसाले में ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही, 1 तेज़पत्ता और 1 स्टिक मैं दालचीनी की यूज़ कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, तेल गर्म हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, दालचीनी और तेज़पत्ता। इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। 2-3 मिनट हो चुके हैं। अभी हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी हम डालेंगे अपनी सब्जियाँ, सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको पकाएंगे हम मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट। 3-4 मिनट हो गए हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा ये पक भी गई हैं। अब इसमें डालेंगे टमाटर, मिक्स कर लेंगे इसको। अभी मैंने गैस को लो कर दिया है, इसको 2-3 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, देखिए टमाटर भी सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। अभी हम इसमें डालेंगे मसाले जो हमने लिए हैं। अभी मैंने लो फ्लेम पे इसको पकाना है जब तक ये टमाटर और सब्जियां थोड़ा पानी ना छोड़ दें, मसाले अच्छी तरह पक ना जाएं। देखिए टमाटर ने तेल छोड़ दिया है, देखिए पक चुका है। अभी हम डाल रहे हैं इसमें इमली का पानी जो निकाला था, जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैं इस इमली के पानी में सब्जियों को पकने दूंगी 2 मिनट के लिए, ताकि ये इसका टेस्ट है जो सब्जियों के अंदर तक चला जाए। 1 मिनट हो गया है, अब मैं डाल रही हूँ सांभर मसाला। टीस्पून है इसलिए मैं 3 डाल रही हूँ। ये देखिए ये रेडी हो चुका है। अभी हम दाल देखते हैं फिर उसमें डालेंगे दाल। अभी आपको ऐसे लग रही है कि ये पकी नहीं है, पर ये पक चुकी है। मसाला बनाया वो डालेंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो आप पानी और डाल सकते हैं। अभी हम इसको लो फ्लेम पे 10-15 मिनट ऐसे ही खुले में पकाएं। सांभर मैंने रख दिया है, जो जितना लो फ्लेम पे पकेगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। जब तक सांभर बन रहा है तब तक हम बड़े बना लेते हैं। इसके लिए मैंने जो 1.5 कटोरी उड़द की दाल को रात को भिगो दिया था, अभी हम इसका पेस्ट बनाएंगे मिक्सी में। तो पहले उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, दाल को मैंने पीस लिया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, जो छोटे वाला चम्मच है, 1 छोटा चम्मच जीरा। आप इसमें सूखी मेथी या फिर धनिया भी डाल सकते हैं, या कड़ी पत्ता, जो आपकी चॉइस है। अभी हम इसको
मिक्स कर लेते हैं। तो 5-10 मिनट बहुत अच्छे से मिक्स करना है एक साइड को, ताकि जो हमारे वड़े हैं वो फूल जाएं अच्छे से। मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं। इसको चेक करने का एक तरीका भी है, देखिए। ये इस ऐसे लिया, इसको पानी के गिलास में डालें, अगर ये ऊपर आ गया तो बैटर तैयार है। देखिए ऊपर आ गया है, नीचे बैठ जाए, अगर ये नीचे बैठ जाए तो अभी हमारा बैटर तैयार नहीं है। तो हमने इसको फिर से इस तरह से चलाना है एक साइड को 2-3 मिनट। चलिए बनाते हैं अब। देखिए तेल गर्म हो चुका है, ये मैंने सरसों का तेल लिया है। लीजिए कोई चाय वाली छन्नी ले लीजिए, इस तरह से उसको पानी लगा लीजिए ऐसे, उसके ऊपर बैटर को रखना है और उसके बीच में ऐसे करना है। देखिए अब इसको धीरे से छोड़ देना है। ये बड़े बनाने का सबसे आसान तरीका है, इससे बिल्कुल गोल बनते हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो हाथ से आपसे नहीं बनेंगे, तो आप इस ट्रिक से बना सकते हैं बिल्कुल गोल, इससे बहुत जल्दी बनते हैं। अभी पक जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल गोल गोल बनेंगे। ये देखिए ये सारे गोल गोल बनेंगे आपके। जब हम हाथ से बनाते हैं तो थोड़ा सा हाथ में तेल लगने का डर रहता है। अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आई तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये सारे मैं मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ, ये बन चुके हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए अभी इनको निकालते हैं। सांभर हमारा रेडी है, देखिए। सब्जियों को ऐसे खड़ा खड़ा नहीं चाहते, तो अब जब दाल बॉईल करें तभी सब्जियां भी बॉईल कर लें। पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लें, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। देखिए बड़े बनके भी रेडी हैं हमारे, देखिए। चलिए सर्व करते हैं। देखिए आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके बड़े सांभर कैसे बने, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।